इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, इसमें हमने पहले देखा था इन विवो टेक्निक जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की, और ये सेकंड है इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। इसमें हम देखते हैं जो प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं उन्हें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंजर्व करने की क्रिया इन विट्रो टेक्निक कहलाती है। इसमें जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने क्रांति ला दी है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं प्लांट टिश्यू कल्चर आते हैं, इस बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जो प्लांट का प्रोडक्शन है वह अत्यधिक बढ़ गया है, और प्लांट्स के लिए के अधिक उत्पादन के लिए हमें रिप्रोडक्शन की क्रिया पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है उसकी सहायता से हम जो प्लांट के किसी भी टिश्यू या ऑर्गेन को लेकर संपूर्ण प्लांट को रीजनरेट कराया जा सकता है, और टिश्यू कल्चर में किसी भी सेल या टिश्यू से कैलस का फॉर्मेशन कराया जा सकता है। इस कैलस में यह जो कैलस होती है उसमें संपूर्ण प्लांट बनने की क्षमता होती है, और इस जो कैलस होता है उसे हम कंजर्व करके रख सकते हैं तथा इसे भविष्य में प्लांट उत्पादन किया जा सकता है। यह प्रोसेस इन विट्रो जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन कहलाती है। जर्मोप्लाज्म की इन विट्रो टेक्निक में हम किसी भी प्लांट के टिश्यू आदि को इस प्रकार से कंजर्व करके रखा जा सकता है जिससे वे क्रिस्टल फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उन्हें कई दिनों तक रखा जा सकता है, और यदि हमें इन सेल्स को दोबारा उपयोग में लाना होता है तो उन्हें हम नॉर्मल फॉर्म में पुनः लाकर आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं डिफिनेशन। किसी भी प्लांट के जर्म प्लाज्म को लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो कंडीशन में केमिकल्स का यूज करके प्रिजर्व करने की विधि ही इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहलाती है। इसमें जो इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के मेथड्स निम्न प्रकार से हैं। मेथड फॉर इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, इनमें फर्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन, सेकेंड है कोल्ड स्टोरेज एंड थर्ड है लो टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन। इसमें हम देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है क्रायो अर्थात ठंडा, और प्रिजर्व यानी संरक्षित करके रखना। जो भी प्लांट सेल या टिश्यू होती हैं उन्हें हम इनमें बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, इस टेक्निक की सहायता से हम उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसी भी प्लांट के सेल या ग्रुप ऑफ सेल जैसे ऑर्गेन इमराव कैलस आदि को कूल टेम्परेचर में प्रिजर्व रखने की प्रक्रिया ही क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। यह एक फ्रीजिंग टेक्निक होती है। यह जो क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक है वह एक फ्रीजिंग टेक्निक है तथा इसमें जो सेल्स के किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स को स्पेशल लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम में 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम इसे कई वर्षों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस प्रकार जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वह किसी भी प्लांट के सेल ऑर्गेन या इम्ब्रायो को बहुत ही कम टेम्परेचर 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखने की प्रक्रिया होती है जिसमें हम इसे स्टोर कर सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है क्रायो, इसमें हम आगे देखते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। यह एक सब्सटेंसेस होता है जो कि हम फ्रीजिंग की जो प्रोसेस होती है उस समय बायोलॉजिकल टिश्यूज को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही ये जो लिविंग मटेरियल्स होती हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। यह क्रायोप्रोटेक्टेंट बायोलॉजिकल स्टडी के समय जो मटेरियल्स हैं लिविंग मटेरियल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इसका यूज हम फूड प्रोडक्ट्स के प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है। क्रायोप्रोटेक्टेंट टू टाइप्स की होती हैं। पहला है परमिएशन एजेंट और दूसरा है परमिएटिंग एजेंट। फर्स्ट है परमिएशन एजेंट। यह वे एजेंट्स होती हैं जो सेल में जाकर फैल जाती हैं और सेल को ऑस्मोटिक शॉक से बचाती हैं। ऑस्मोटिक शॉक से तात्पर्य है कि यह एक फिजियोलॉजिकल डाइस फंक्शन होता है जिसके कारण जो सेल में कोफैक्टर्स एवं सब्सट्रेट के परिवहन को रोकता है, अतः इसे
प्रिमेसियन एजेंट्स के द्वारा इन्हें रोका जाता है। इसमें प्रमुख परमिएशन एजेंट्स निम्न प्रकार से हैं, जैसे ग्लिसरॉल, डाईमेथिल सल्फाइड, 1,2 प्रोपानेडियल। सेकेंड हम देखते हैं नॉन परमिएटिंग एजेंट्स। यह बड़े मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि सुक्रोज होते हैं, और यह किसी भी सेल जैसे ब्लास्टोमियर से ऑस्मोटिकली जो वाटर्स होती हैं उनको रिमूव करते हैं, और यह सेल के अंदर वाटर को रिप्लेस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ क्राइप्रिजर्वेशन। इनमें सर्वप्रथम होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। जो प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स होती हैं, जैसे इम्ब्रायो, मेरिस्टेम, एंडोस्पर्म्स, ओयूल, सीड, इन सब का हम सिलेक्शन करते हैं। सेकेंड है एडिंग ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट। इसमें जो सेल फ्रीजिंग के समय डैमेज ना हो, इसलिए हम क्रायोप्रोटेक्टेंट मिलाते हैं। यह सेल को बाहरी सतह से जो सेल्स होती हैं उनको बाहरी क्षति से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसमें मुख्य रूप से ग्लिसरॉल, एथिलीन, प्रोपालीन, सुक्रोज एवं मैनोस, ग्लूकोज आदि आते हैं। इनमें जो क्रायोप्रोटेक्टेंट होती है वह मुख्य रूप से ग्लिसरॉल एवं सुक्रोज का हम यूज करते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग वह टेक्निक होती है जिसमें सेल को फ्रीजिंग के द्वारा 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है, तथा यह 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है इनमें स्लो फ्रीजिंग के से तात्पर्य है जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाकर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है। इसमें जो प्लांट सेल्स होती हैं उन्हें धीरे धीरे फ्रीजिंग की जाती है। सेकेंड होता है रैपिड फ्रीजिंग में जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके टेम्परेचर को तेज़ी से घटाया जाता है। इनमें जो प्लांट सेल होती है वह 10 डिग्री, उसके बाद -50 और डायरेक्ट -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे लाया जाता है। थर्ड होता है स्टेप वाइज। इसमें जो स्लो एवं रैपिड दोनों को मिलाकर स्टेप वाइज घटाया जाता है। तथा फोर्थ है ड्राई, यह सिर्फ सीड्स में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। प्लांट को स्टोर करके रखा जाता है, और फ्रीजिंग के द्वारा हम सबसे कम टेम्परेचर पर प्लांट को स्टोर करते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें जो 130 डिग्री सेल्सियस गेट पर जो प्लांट सेल्स होती हैं उनकी इंट्रासेल्युलर पार्ट पर आइस क्रिस्टल बनने लगते हैं, इसलिए इन्हें 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे वेपर फेज या लिक्विड फेज में रखा जाता है, और स्टोरेज के लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लिक्विड नाइट्रोजन को सबसे उत्तम टेम्परेचर माना जाता है, और इसमें इन्हें स्टोर करके रखा जाता है। इसमें हम देखते हैं जो सूट टिप्स होती हैं उन्हें हम प्री ग्रोन ऑन मीडियम विथ DMSO। इनमें जो सूट टिप्स होती हैं उन्हें प्री ग्रोन कराया जाता है, तथा इनमें जो क्रायोप्रोटेक्टेंट होती हैं उनके साथ इन्हें जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उनमें रखा जाता है। इनमें जो वन सूट टिप्स होती हैं उन्हें हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, तथा यह जो इसका टेम्परेचर होता है मीडियम का वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा इन्हें सूट टिप इन सेमी सॉलिड माध्यम में इन्हें प्रवेश कराया जाता है। इसमें जो सूट टिप्स होती है उन्हें हम एक सीसी में जो ये सूट टिप्स होती हैं उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है, तथा इन्हें हम अधिक समय तक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं। यदि हमें इन्हें दोबारा उपयोग करना होता है तो हम थ्रॉबिंग के द्वारा इन्हें वार्म वाटर में इन्हें वॉश किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें सेमी सॉलिड माध्यम में प्रवेश कराया जाता है, जिससे हम सूट टिप कल्चर से आसानी से न्यू प्लांट का रीजनरेशन करा सकते हैं। जो लिक्विड नाइट्रोजन में इन्हें कई वर्षों तक स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब हमें
इनसे नए प्लांट्स उत्पादन करने की आवश्यकता होती है तो इन्हें निम्न प्रकार की प्रोसेस द्वारा निकाला जाता है। फर्स्ट होता है विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन में जो किसी भी प्लांट सेल को जिन्हें हमें स्टोर लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम से निकालने से पहले उन्हें धीरे धीरे जो उसका टेम्परेचर होता है वह बढ़ाया जाता है जिससे सेल अपने पुराने फॉर्म में आ जाए। यदि हम इसे सीधे टेम्परेचर बिना बढ़ाए हुए निकालेंगे तो यह सेल डैमेज हो सकता है और हम उसका यूज नहीं कर सकते। इसके बाद होता है थॉविंग। इन्हें जो वॉश इन हॉट वाटर, जो इन्हें गर्म वाटर होती है उन्हें उनमें इम्प्लांट सेल्स को वॉश किया जाता है तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर पर धोया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सर्वाइवल। स्टैनिंग मटेरियल ट्राइफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड। क्राइप्रिजर्वेशन करने से पहले प्लांट या टिश्यू को दिए गए जो क्राइप्रोटेक्टेंट होती है उन्हें थॉइंग के बाद स्टैनिंग टेक्निक के द्वारा हटाया जाता है। इसमें जो हम क्रायोप्रोटेक्टेंट ऐड किए होते हैं उन्हें हम इस स्टैनिंग मटेरियल के थ्रू हटा सकते हैं। रीकल्चर, प्राप्त सेल या टिश्यू को उपयुक्त कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रीजनरेशन, जो कल्चर्स के द्वारा रीजनरेटेड प्लान तैयार कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक होती है उसके थ्रू हम प्लांट सेल या जो भी टिश्यूज होती है उन्हें हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं और इन्हें कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है और इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इन विट्रो जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन में जो सेकेंड टेक्निक है वह कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज वह टेक्निक होती है जिसमें जर्मोप्लाज्म को कंजर्व करने के लिए लो टेम्परेचर और नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर पर 1 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। क्राई प्रिजर्वेशन के द्वारा जो प्लांट मटेरियल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को पूर्णतः स्टेबल या रोक दिया जाता है, किंतु कोल्ड स्टोरेज में प्लांट मटेरियल के ग्रोथ को पूर्णतः नहीं रोकता बल्कि वह उसकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। कोल्ड स्टोरेज इज यूज्ड फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो कोल्ड स्टोरेज होती है वह प्लांट के स्लो ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम देखते हैं जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह प्लांट को इंजेक्ट नहीं करता है। दिस प्रोसेस इज ईजी बट सो लॉन्ग। यह प्रोसेस बहुत ही साधारण होती है परंतु यह एक लंबी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जर्म प्लाज्म में अच्छी तरह से सर्वाइवल रेट आती है। इसके द्वारा बहुत से प्लांट्स जैसे स्ट्रॉबेरी आदि को हम सफलतापूर्वक स्टोर कर सकते हैं। वायरस फ्री स्ट्रॉबेरी प्लांट को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 साल तक स्टोर करने पर भी इनमें कोई जो डिसीज है वह उत्पन्न नहीं होती है। इसमें जो इनविट्रो टेक्निक में थर्ड टेक्निक है लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। प्लांट्स पर पड़ने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेबोरेटरी के अंदर कम कर दिया जाता है। इसमें जो प्लांट्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होती है उन्हें हम लेबोरेटरी के अंदर कम कर सकते हैं जिससे प्लांट्स की जो वृद्धि होती है वह बहुत ही धीमी होती है। इसका जो प्रेशर होता है वह 15 पाउंड से 10 पाउंड तक कर दिया जाता है। प्लांट्स को मिलने वाली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाती है जिससे इनमें जो प्लांट्स की वृद्धि है वह रुकती नहीं है किंतु यह धीमी हो जाती है। 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है लो प्रेशर स्टोरेज और सेकेंड होता है लो ऑक्सीजन स्टोरेज। इसमें हम पहला देखेंगे LPS लो प्रेशर स्टोरेज। प्लांट्स मटेरियल के आसपास लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है। इस क्रिया में जर्मोप्लाज्म पर लगने वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है वह डिक्रीज हो जाती है। यह क्रिया इन विट्रो होती है तथा इसका उपयोग ज़्यादातर कम समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे प्लांट्स फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, कट फ्लावर प्लांट्स कटिंग ETC। दूसरा हम देखते हैं LOC लो
ऑक्सीजन स्टोरेज, इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 260 mmHg को नाइट्रोजन गैस के द्वारा मेंटेन करते हैं। ऑक्सीजन के जो प्रेशर होती है उन्हें 50 mmHg तक रिड्यूस कर O2 की जो उपलब्धता होती है वह कम कर दी जाती है। इससे जो इनमें CO2 का कंसंट्रेशन होता है वह बढ़ जाता है, नहीं, इसमें जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है वह कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे प्लांट टिश्यू ग्रोथ नहीं कर पाता है और प्लांट टिश्यू की ग्रोथ इनहिबिट होती है और वह स्लो ग्रोथ करता है। इस प्रकार हम लो प्रेशर स्टोरेज एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज के माध्यम से भी इसे कंजर्व करके रख सकते हैं। यह जो सारी प्रोसेस होती है वह लैब के अंदर होती है तथा यह टेक्निक इन विट्रो कहलाती है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्लांट्स जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करके रख सकते हैं।